हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल बैच फे पे। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो कृपया ना करें। अगर आप फ्रेशर हो, मतलब ट्रेडिंग व्यू में, मतलब ट्रेडिंग करने आप मतलब नए आए हो, मतलब यहाँ पे आपकी नई जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग व्यू का जो डेटा है ना, वो लैगिंग है, ठीक है। और आपके पास जो आपके ब्रोकर का डेटा है, वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर दैन ट्रेडिंग व्यू फ्री अकाउंट्स। अगर आपके पेड है तो आप कर सकते हैं, अगर पेड नहीं है तो आपको आपका ब्रोकर यूज़ करना चाहिए जिसमें आपने अकाउंट खुलवा रखा है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप ट्रेड करते हैं रियल मार्केट में, तो आपको ये मैं मतलब समझ आएगा कि इसका डेटा लैगिंग है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से इसमें ट्रेडिंग कर रहा था ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, तो मेरे को लॉस हो रही थी, क्योंकि मैं जो स्टॉप लॉस और टारगेट रख रहा था वो ठीक नहीं बैठ रहे थे। मतलब जब मैं एंट्री ले रहा था तो उसमें ऊपर नीचे हो रहा था टारगेट और स्टॉप लॉस में। तो ये देखो इसमें हो क्या रहा है कि ये मेरा जो इस सेट वाले माउस में है, ये मेरा अब स्टॉक का अकाउंट है और ये ट्रेडिंग व्यू का है, जहाँ आपको दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कैंडल कैसे मूव कर रही है और वो उसके बाद मूव कर रही है। ये देखो, पहले उसने ऊपर मूव किया, अब ट्रेडिंग व्यू मूव करेगा, उसने नीचे मूव किया, फिर वो नीचे मूव करेगा, मतलब ये लैग करता है। तो आप इसके थ्रू एंट्री लोगे तो उसमें हो सकता है दूसरा मूव थोड़ा ऊपर आ गया हो, तो आपको ना एंट्री के टाइम पे जो वैल्यू पॉइंट पे आपको चाहिए होगा वो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक मिनट में एडजस्ट करके। ये देखो 1 मिनट पे कर दिया मैंने, अब ये देखो इसको भी मैं 1 मिनट पे कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट, ये रहा, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, अब आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा शायद, ठीक है। सॉरी यार, ये क्या हो गया, ओके, ये देखो, ठीक है। तो मेरा टारगेट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी वैसे बुक कुछ कर चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बुक नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये देखिए 1 मिनट का डेटा है, इसके ऊपर गया, इसमें देखिए ट्रेडिंग व्यू में अभी तक वो ऊपर नहीं गया, ठीक है। अब आया, इतनी देर में वो ऊपर आएगा जब तक आप गलत जगह पॉइंट पे एंट्री ले चुके होंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। बस मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर आप फ्रेशर हो ट्रेडिंग में, ठीक है, इस मार्केट में, तो आप अपना ब्रोकर यूज़ करो, ट्रेडिंग व्यू यूज़ मत करो। अगर पेड है वर्जन है तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना आपका डेटा लैगिंग है। आप एंट्री करोगे, टेस्टिंग भी करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, अब ऊपर नीचे हो जाएगा आपके सारे पॉइंट्स, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया वो नीचे आया, ऊपर चला गया, वो अभी तक नीचे ही नहीं आया तो ऊपर क्या जाएगा, ठीक है। तो यही बताना था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। और ये फ्रेशर के लिए, अगर आप, मुझे पता है बहुत से लोग हैं जो मार्केट में बहुत टाइम दे चुके हैं तो उन्हें पता होगा, तो ये नए बंदों के लिए सिर्फ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।